पर कदम रखते हुए खामोशियां लेकर बगुले और बादल घंटियों की लय पे यूं रत सा हमारे साथ चलते हैं हमारे साथ रहते हैं। जीबा बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, शादी करना चाहता है। जाओ, उससे शादी मना। साउद खान को मार के तुम हमसे शादी कर लेगा? जाओ, पहले जो तश्कीर का खून से तुमने अपना ये हाथ रंगा है ना, उसके दो क्या? बिस्मिल्लाह। ऐसा माशाल्लाह। प्यारा लग रहा है। मना ही जानती कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत, मगर मेरा जो प्रोफेशन है उसका तकाजा है कि मैं इन लोगों को सही राह बता दूं। यही रास्ता मेरी आइडियल माँ मदर ट्रेजर ने भी अपनाया था। शी लेफ्ट बिहाइंड हर कंट्री एंड रिलेटिव्स इन द वे ऑफ हर मिशन, और आज मैं भी ये ही कुर्बानी दे रही हूं। मेरी कुर्बानी कबूल हो। हम दोनों ने अपना जगह पर जो भी किया है वो ठीक है। अब हमारा दुआ है कि हम दोनों अपना अपना जगह पर साबित कदम भी रहे। क्या देख रहा है? देख रही हूं कि जिस शख्स के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत थी, आज उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी मोहब्बत कैसे? शायद हम भी सोचता था कि हमको तुमसे नफरत है, लेकिन अभी क्या करे, इंसान का अंदाजा है कभी कभी इतना गलत हो जाता है, समझ नहीं आता है कि इंसान क्या करे।
कहाँ जा रहे हो? मरकज जा रहा है। क्या? हाँ, उन्हें वादा किया था कि हम आएगा। नहीं कमरदीप, वो लोग तुम्हें मार देंगे। नहीं, हमको अपने मशरान पे पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ इंसाफ करेगा। नहीं कमरदीप, तुम नहीं जाओगे। हमको जाना पड़ेगा, हमारा ना जाने से वो लोग फिर यहाँ आएगा और हम नहीं चाहता कि तुम सब लोग हमारी वजह से मुश्किल में पड़ जाओ। हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, लेकिन ओके फाइन, लेट मी टॉक टू बाबा जान। मेरे को बाबा जान से बात करना तो प्लीज। एक मिनट। जमीने, जमीने। बाबा जान वो जा रहे हैं। क्या हो गया बच्चे, तुम्हारे दुपट्टे किधर है? कौन जा रहा है? कमरदीन। किधर जा रहा है कमरदीन? मरकज जा रहे हैं। क्या, किधर जा रहे तुम? बाबा जान हमारा जाना जरूरी है। कैसे जरूरी है? कितने दिन हुआ तुम्हारी शादी को जो तुम उधर चल दिया? जाना हमने वादा किया हुआ है, हमारा जाना जरूरी है। तो बड़ा फ्रेश वादा। नहीं लाला, 20 साल बाद तुम हमको मिला है, पता नहीं उधर वो लोग तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेगा। हम तुमको ऐसे नहीं जाने देगा। वो हमारे साथ कोई सलूक नहीं करेगा, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हमने जो किया अपने जमीर का आवाज भी किया है और उस पे हमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं। बाबाजान, मैंने देखा है उन लोग को, वो लोग बहुत जालिम है। बाबाजान, वो लोग जालिम नहीं है, जालिम समझा जाता है, लेकिन लेकिन वो बहुत अच्छा लोग है। ओ तावीज लाला, क्या बात है, क्यों परेशान है, वो हमको भी तो बताओ। जा रहा है कबरदीन फिर उन लोगों का पास। किन लोगों का पास? उन्हीं लोगों का पास जिन्होंने 30 साल तक इसको अब लोगों से दूर रखा। बच्चे तुम इधर आओ। कमर बच्चा, तुमने पहले भी अपना बाबा को बहुत रुलाया, अब और मत रुलाओ। अमील काका, हम अपने वालिद का प्यार को समझता है, लेकिन हमारा वादा इस दुनिया का हर चीज से ज्यादा मोहतरम है। हमारे लिए हमारे माशरान से मिलना, उनके दिमागों को साफ करना बहुत जरूरी है, वरना आपको हमेशा उनका खतरा रहेगा। जाओ जाओ, तावीज खान कूची इतना कमजोर नहीं है कि चंद लोगों के खौफ से अपने बेटे को शाम का बिल में डालते हैं। आने दे उनको, उनको भी पता चल जाएगा खाना बदोशों के पड़ाव पर हमला करने का नतीजा क्या होता है। बजान, हम जानता है आप कमजोर नहीं है, मगर हम जंग नहीं चाहता है। हमने उनके साथ 20 साल गुजारा है, वो हम लोगों को कुछ नहीं बोलेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस फिक्र मत करो। अच्छा, हम बेफिक्र हो जाए, तुम भी बेफिक्र हो जाओ, गरम भी तुम्हारा साथ जाएगा। बाबा जान, वाह चुप चाप, कौन है गुस्सा, हमारा बंदूक लाओ। बाबा जान आप चुप चाप, जो फैसला हमारा है वो पत्थर का लकीर है, वो हमारा बॉर्डर का राहदारी भी लाओ। कैसे नहीं जाएगा, साथ जाएगा, देखता है तुम्हारा मशरान को। आज हम बहुत खुश हैं, हमारा गैरतमंद कुमंदान जिसको मैंने अपने औलाद से बढ़कर प्यार किया, कुमंदान कमरदीन, हमको यकीन था कि तुम वापस आएगा। मुल्ला साहब, मेरा सलम नहीं चाहता था कि आप लोग के साथ हमारा कोई खून खराब हो जाए। अच्छा, वहां तुम अभी इतना ताकतवर हो गया कि अपना उस्ताद मोहतरम से खून खराब करेगा? मुल्ला से
बख्शंद कौन? उन खराबे के लिए अगर चंद जंगजू नौजवानों और असले बारूद का जरूरत होता है तो ये चीजें आप लोगों का पास तो अभी चंद सालों से आया है इधर उधर से, मगर खाना बदोश सदियों से इन चीजों से खेलता आया है। इन चीजों को हम लोग जेवर बनाकर अपना घर पर रखता है। आपकी तारीफ। तावीज खान नाम है हमारा मुल्ला साहिब, तावीज खान कुची। हम बदनसीब कमरदीन का बाप है, वो बाप, वो बदनसीब बाप मुल्ला साहिब जिसने 25 साल पहले अपने जिगर के टुकड़े को आप जैसे लोगों का हवाले किया था कि आप लोग हमारे इस मासूम बच्चे के दिलो दिमाग और इसके सीने पर दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे मुकद्दस किताब कुरान पाक सब करोगे। वो किताब जिसपे मोहब्बत और इंसानियत के सिवा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने एक सीधा सादा खाना बदोश का सीधा सादा बेटे को पता नहीं क्या बना दी, बजाय इंसानियत का दर्ज देने के नफरत और शैतानियत का दर्ज दिया, बजाय इसका कि ये इंसानों का जान बचाता इसका हाथ से मासूम लोगों का खून कराए। पच्चीस साल हो गए मासूम को इन फरियादों को अपने सीने में छुपा कर रखा है, आज बोलेंगे हमको अपने दिल के पूछ तो क्या करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दुनिया के सब लोग इसी तरह मां बाप बनकर सोचे तो खुदा की कसम रहमान और शैतान के दरमियान जो जंग जारी है, जो जंग लड़ी जा रही है, ये खत्म हो जाएगी। कबरदीन, हम तो तुमको मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद होते देखना चाहता था, मगर शायद तुम अपने घर में अपने बिस्तर पर अपना बाप का बाजुओं में मरना चाहता। वाह मुल्ला साहब, बहुत अच्छा बात किया आपने, मगर एक बात हमारा भी सुनो, आप सब लोग सुनो। जिस दिन हमको यकीन होगा कि ये जंग दीन इस्लाम का सरबलंदी और आखिरत को संवारने का वास्ते लड़ा जा रहा है, खुदा का कसम मैं हमको अब अपना एक नहीं 1000 ऐसे बेटे जंग में देगा, मगर अभी नहीं, इसलिए कि अभी ये जाद नहीं है, ये पसाद है। जानू नहीं, जानू नहीं। कमरदीन हमारा पुराना कमंडान है, पुराना जहादी साथी है, इंसान से गलती होती है, ये वापस आएगा। मेरे तालीम जहादी नशा इसको जरूर राह रास्त पर लाएगा इंशाल्लाह। जाओ कमरदीन, तुमको तुम्हारे बाबा के आंसुओं के सदके में माफ करता हूं।
मुल्ला मोहतरम, क्या वाकई? हाँ जानू, कमरदीन हमारा पुराना साथी है और साथियों के साथ दोस्तों जैसे सलूक करना चाहिए। जाओ। चलो लग, चलो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपके दिल में इतनी हमदर्दी और इंसानियत, यकीन नहीं आता। मुल्ला गुलबारान बागियों को माफ नहीं करता है, लोहे को लोहे से काटता है। क्या? हाँ, अमील खान। हम लोग जो है वो चार नस्ल से हर मौसम गर्मी के गुजारते हैं। विदर जब हमारा दादा था ना, फिर अफगन तुम्हारा परदादा, यार बड़ा जबरदस्त शिकारी था, उसका शक्ल भी शेर जैसा, बस उसका गोली से और उसका खंजर से कोई बचता नहीं था। एक जमाने में कमरदीन ये जंगल जो था
इतना अच्छा अच्छा परिंदा होता, ऐसे ऐसे बोलियां बोलता था, यार चकोर था, मारखोर था, एक रौनक। अभी लोगों ने मार मार के बेबरकती कर दी। जिसको देखो एक बंदूक उठाया है, जान को शिकारी बनाया, यार खरगोश मारा। उठाया तो अपने हिफाजत के लिए उठाए, कभी कभी सच्चा बात है शिकार भी मारते हैं। माफ करे, तुमको माफ करे खंजीरा। किस बात का माफी देने, अपने बेटे के खून का या खाना बदोशों का नाम पे धब्बा लगाने का? वही आज तक हमारा सात पिछलों में किसी ने पीठ पर वार नहीं किया है। कबर दी ला के आ गए। Oh.
खैर है मौलाना साहब, मैंने आपको कभी इस तरह भागते हुए नहीं देखा। गजब हो गया है। क्या हुआ? हमारे कुछ साथियों ने, खानाबदोशों और कबाइलों ने मिलकर एक बहुत बड़ा लश्कर बनाया हमारे खिलाफ। हुकूमत से लड़ना तो मुमकिन है, लेकिन इनसे लड़ना नामुमकिन। चलो। मगर वो सवात और वजीरिस्तान। अपनी जान बचाओ, वो बाद में देखा जाएगा। हमारा तस्वीर अखबार और टेलीविजन में आ गया। मेरी तो नहीं छपी ना। तुमको कौन जानता है? क्यों मौलाना साहब, अपने साथ साथ मुझे भी शहीद करवाओगे? क्या मतलब? इसका जवाब तुम्हारा कुमंदान देगा। क्या कुमंदान? जानू? जानू नहीं मुल्ला, अमीर जान मोहम्मद जादी बोले। तुम्हारे इस दोस्त ने हमको तुम्हारा सारा असलियत बता दिया है। हमने सोचा कि गुलाम का गुलामी क्यों, इसलिए हमने बराह रास्त उसके साथ अपना ताल्लुक बना लिया है, जैसे तुमने बनाया था। अब हमारा पास इज्जत भी होगा और पैसा भी, जो कि तुमने भी बहुत बनाया मुल्ला साहब। तुम गद्दार है, तुमने मेरे साथ गद्दारी किया है। गद्दार किसी को गद्दार कहे तो अजीब सा लगता है मौलाना साहब। मुझे तो पुरिसरार किस्म के लोगों की जरूरत है। तुम तो मशहूर हो चुके हो, तुम्हारी तस्वीर तो अखबारात और टीवी में छप चुकी है। तुम हमारे मिशन के लिए खतरनाक हो गए। हमें एक नए अमीर की जरूरत है और हमने नया अमीर चुन लिया है, अमीर जान मोहम्मद जहादी। किस्मत गोला, जिस शख्स का वजह से
हम लोगों का रिश्ता जुड़ गया था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। हम खानाबदोश लोगों का रिवाज है कि हमारा बहू बेवा होकर भी कबीले में रहता है और खानाबदोशों में ही उसका शादी बना देते हैं, मगर तुम हमारा रस्म और रिवाज से आजाद है, तुम अपने मुल्क जा सकता है। सऊद खान और उस्ताद साहब तुमको शहर पहुंचा देगा। कमरदीन के साथ मेरा कमिटमेंट था, सारी जिंदगी गुजारने का, मैंने कमरदीन को दिल से अपना शोहर मान लिया था। वो तो हमारे साथ रहा नहीं, लेकिन बाबा जान मैं उन हालात को बदलना चाहती हूँ जिन्हें उसे हमसे छीन लिया। मैं बस मानव लोगों को दुनिया के बराबर लाना चाहती हूँ। बाबा जान, क्या आप मेरा साथ देंगे? जमीन विषय, अगर तुम दूसरा कौम कहो कि हम लोगों के बारे में ऐसा सोचता है तो फिर तो हम लोग बेगैरत होगा ना, कि अगर खुद अपने लिए कुछ ना सोच सके, कुछ ना कर सके। तुम जमरे का माँ है, जमरे हमारा मुस्तकबिल है। हमको यकीन है कि तुम्हारा तरबियत से हम लोग का मुस्तकबिल रोशन होगा। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। सबको मिलके इस जहालत को दूर करना है, इन अंधेरों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। इल्म हमारी मीरास भी है और निजात भी। सच्चा इल्म और इंसाफ सबको मिलना चाहिए। पहचान के ये दो लेटर्स है, एक मेरी माँ के लिए और एक मेरी एनजीओ के लिए। पापा जान, दुआ करे कि कमरदीन के और समोश भाई के होने वाले बच्चे उन हालात से ना गुजरे जिनसे हम लोग गुजरे हैं। दुआ करें बाबा जी। अब हम लोगों को सिर्फ दुआ नहीं करना है, काम करना है, अमल करना है। चलो। कदम रखते हुए खामोशियां लेकर बगुले और बादल घंटियों की लेपे यूं रतसा हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं।